हे किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स। हम देखेंगे फ्रूट्स में कौन से विटामिन मौजूद होते हैं और उनसे हमें क्या लाभ होते हैं। ये कौन सा फ्रूट है? ये है ग्रेप फ्रूट। हिंदी में इसे चकोतरा कहते हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट पोटेंशियल होती है। यह ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और वेट को भी मेंटेन रखता है। हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में इसका अहम रोल है। ये क्या है? ये तो हम सबका फेवरेट है, मैंगो। हिंदी में इसे हम आम कहते हैं। आम में विटामिन ए है, जो कि हमारी आंखों को और स्किन को स्वस्थ रखता है, और विटामिन सी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। आम की गुठलियों में मौजूद रेशे चर्बी को कम भी करते हैं। ये क्या है? ये है ऑरेंज। इसे हम हिंदी में नारंगी कहते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर है। इसमें ज़्यादा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी और एमिनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं। अगर रोज संतरे का सेवन करेंगे तो गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ये है एप्पल। हिंदी में इसे हम सेब कहते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई और B6 होता है, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सेब में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। ये क्या है? ये है कैंटालूप। हिंदी में इसे खरबूजा कहते हैं। इसमें विटामिन सी है, जिसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, और विटामिन ए और कैरोटीन मौजूद होता है, जो कि आंखों को हेल्दी रखता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है और हार्ट को हेल्दी रखता है। ये है सर्दियों का फेवरेट फ्रूट, गवावा। इसे हिंदी में अमरूद कहते हैं। अमरूद में विटामिन ए, सी, के और विटामिन B6 पाया जाता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और कैंसर से बचाव करने के लिए भी मदद करता है। अमरूद पाचन तंत्र को सुधारता है। ये है कीवी। हिंदी में भी इसे कीवी कहते हैं। इसमें जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हैं, जो कि बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। विटामिन सी, साथ साथ विटामिन ई भी है, जो कि बालों को झड़ने से रोकता है। कीवी अस्थमा के पेशेंट के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। ये है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में भी स्ट्रॉबेरी कहते हैं। कैंसर से बचाए स्ट्रॉबेरी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। कम मात्रा में कैलोरी है, जो कि वजन को कंट्रोल करता है, दिल को हेल्दी बनाता है, पाचन शक्ति सुधारता है और पेट को साफ करने में मदद करता है। ये स्ट्रॉबेरी डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। ये है बनाना। हिंदी में इसे हम केला कहते हैं। पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा स्रोत है ये। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ करता है। ये फाइबर से भरपूर है। बच्चों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है हड्डियों को मजबूत करता है ये। ये है पाइनएप्पल।
पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं। इसमें फाइबर है जो कि डाइजेशन को अच्छा रखता है, और इसमें विटामिन ए है जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छा है। ये हाई बीपी पेशेंट के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मैग्नीशियम अधिक मात्रा में है जो कि हड्डियों को स्वस्थ बनाता है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।